बीएचओ को एक बार देखा जाए तो इसलिए यहाँ चले जाएं। कि प्रोफेसर नहीं आएंगे, जब ग्रुप पर मैसेज आता है तो लगता है अरे यार रंजन मुसलसल भटकते ही रहते, दुआओं से अपनी घर आ गए। क्या बात क्या बात। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अरे वो आज लग रहा है कुछ खाने को मिलेगी, आज हम लोग जाएंगे घूमने। बीएचयू वालों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन। हेलो फ्रेंड, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ बीएचयू वाले दी हिस्टोरिका पे। अभी मैं आई हूँ हिंदी भवन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और मैं यहाँ बात करने वाली हूँ जो यहाँ नए बच्चे एडमिशन लिए हैं हिंदी के विषय में। तो अब उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ कैसा फील हो रहा है, कैसा इनका अनुभव है बीएचयू को लेके। प्रवेश द्वार से अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो यहाँ साइड में लड़कियाँ कुछ बैठी हुई थी, तो अब इनसे जुड़ते हैं, इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवी सिंह है। आप कौन से ईयर के? मैं फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर में। आप सब एमए फर्स्ट ईयर के ही हैं? हाँ, तो एमए फर्स्ट ईयर यानी कि फ्रेशर से ही हमें मिल चुके हैं, तो हमें फ्रेशर से ही जानना था उनको, उनको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मनीष चौरसिया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर एमए करने का नहीं सोचे? नहीं सोचे कि एक डिग्री हो चुका है, क्यों ना बीएचयू को एक बार देखा जाए, तो इसलिए यहाँ चले जाएँ। तो अभी आपको अपने डिसीजन पे लेके कोई शक? नहीं कोई डिसीजन पे शक नहीं है, बस थोड़ा यहाँ ढलने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और डीयू का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। अच्छा, इनसे जुड़ आप अपना नाम बता दीजिए। सोनी पर्वत। सोनी जी आप कहाँ से आए? बलिया से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश बलिया से। अच्छा, आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? वही जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया से किया है और यहीं से मैंने बीएड कर लिया है। अच्छा, आप बीएड करके आए, तो अभी बीएचयू में, क्योंकि बीएड तो कम अच्छा पे होता है, तो लेकिन कैंपस में अभी आप यहाँ आए, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और आगे देखते हैं कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इन सबसे इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इनसे और भी आगे बात करेंगे। आप बता रहे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाली कानपुर में हूँ और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की है। और आप क्यों यहाँ आना चाहें? एक्चुअली दरअसल बात यह है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तब आया नहीं था, बीएचयू का रिजल्ट आ गया था, अब यहाँ आके आई तो थी वेरिफिकेशन करवाने, अब क्या पता था कि बीएचयू आके दिल लग जाएगा। कैंपस अच्छा लग गया, आईआईटी वाला फील आ गया कानपुर वाली, तो फिर हम सोचे कि चलो यहीं रह लेते हैं, छोड़ दी थी। आप दोनों एक दूसरे से पहले मिले? ये भी डीयू से है, मतलब सेम कॉलेज कुछ ऐसा? अब इसी को कहते हैं ना ब्यूटी, देखिए बीएचयू ने आके तो डीयू वालों को यहाँ मिला दिया। बहुत बहुत अच्छा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि पांडे है, मैंने अपना यूजी यहीं महिला महाविद्यालय से किया है। तो आप यहाँ परिचित हैं पहले से, तो अभी आप अलग 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 जो डीयू से आए हुए छात्रों से, जो कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी से आए छात्र मिले, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत जल्दी ये लोग हमसे घुल मिल गए, दोस्त बन गए, लगता ही नहीं है कि अभी कुछ ही दिन हुए मिले, ऐसा लगता है कि बहुत पहले की दोस्ती है। तो दोस्ती मतलब ग्रुप बन गया है आप लोगों का? जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बीएचयू में ग्रुप बनाने में सब एक्सपर्ट होते हैं, सबसे पहले यहाँ के ग्रुप ही बनता है अपने अपने कॉलेज अपने, लेकिन आप लोगों का ग्रुप तो अलग अलग कॉलेजेस का लग रहा है। अभी आप लोग फ्रेशर्स, आप लोगों का फ्रेशर्स पार्टी हो गया? हाँ कल ही तो हुआ। तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो मतलब थोड़ा इस तरीके का रहा, सोच के तो बहुत कुछ आए थे और हुआ वैसा कुछ नहीं, मतलब सोचा था कि पहले पहले जाएंगे फ्रेशर्स में, इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, वहाँ पे नाम भी लिखवाया था नज़्म सुनाने के लिए, तो भैया जी चार एक लोग को चार चार मौका दिए, चार लोगों को एक एक बार मौका ना दे सके, तो नाम ही नहीं आया, बुलाया ही नहीं कि हम बोलें आके वहाँ पे कुछ। अब खैर क्या करें भैया, आप सीनियर का रिपूटेशन आपके सामने अच्छा नहीं रहा? हाँ मुझे लगा कि थोड़ा मतलब ये राजनीति टाइप की यहाँ होती है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा ये मौका मिलेगा, आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़, मतलब सोसाइटी एक सीरीज चलती है हमारे चैनल पे, तो आप उसको देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। जी बिल्कुल। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो फ्रेशर पार्टी में बहुत इंजॉय किए हम, और डांस किए खूब म्यूजिक के साथ, और जो हमारे सीनियर थे वो भी अच्छा बिहेव किए, लेकिन अच्छा जो भी हुआ अच्छा हुआ जी। थैंक यू। अच्छा, अब फ्रेशर्स के बारे में जान लें, तो अब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, अंदर क्लासेस कितने चल रहे हैं? सुबह से क्लास शुरू हो जाती है कई बार और शाम तक चलती रहती है 3 बजे तक, 11 बजे हम लोग आ जाते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि आ जाते हैं और बैठे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं और क्लास भी नहीं चलती है, दोनों चल रहा है। दर्द, पीड़ा, कष्ट, डाह, जलन, शोभ सब एक साथ उत्पन्न होता है हमारे हृदय। हम इनके दुख को समझ सकते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा दुखी ही हैं यहाँ आके? कभी कभी कह सकते हैं और कभी कभी नहीं कह सकते। मज़ा तो आ रहा है लेकिन दुख के साथ भी आ रहा है कभी कभी। अभी हम इन लोगों से एक होता है ना कि अरे यार ये वाला मूवमेंट जान लेते हैं कि इन लोगों का मूवमेंट। आप कोई बताओ कि आपका कब अरे यार वाला मूवमेंट कब आता है? हाँ वो ऐसा होता ना कि जब रात में आप देर से सो, उसके बाद सुबह आप देर से उठो 10 बजे और बिना खाए पिए आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद 11 से 3 तक लगातार क्लास हो, फिर लगता अरे यार कहाँ। आपका? मेरा थोड़ा रूम दूर है तो थोड़ा चलते चलते बहुत थक जाते हैं, तो यहाँ तो पहुँचते उसके बाद क्लास, उसके बाद खाना भी नहीं खाते हैं। अरे यार आप अपने बता दीजिए। जब चल कर आते हैं हम लोग की क्लास चलती है यहाँ लाइब्रेरी के ऊपर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग चढ़ कर जाते हैं। क्लास में जाकर पता चलता है कि प्रोफेसर नहीं आएंगे, जब ग्रुप पर मैसेज आता है तो लगता है अरे यार। आप जी हम बताना चाहेंगे क्योंकि हम BHU आए थे एक खास हॉस्टल के लिए थोड़ा आए थे और मुझे प्रिपरेशन भी अपना करना था, सोचे तो हॉस्टल मिल जाएगा मुझे बट हॉस्टल नहीं मिला, इसके लिए मुझे डिस्टेंस जो है कवर करके आना पड़ता है। तो ये सोचते हैं यार कल ही है वो जो हॉस्टल लिस्ट आया, तो जहाँ थोड़ा दुख हुआ, पहले भी पता था कि नहीं होगा, तो इसको सुनकर थोड़ा अरे यार फीलिंग सा होता। नहीं नहीं क्लास नहीं है। आप कौन से ईयर के छात्र हैं? मैं MA फर्स्ट ईयर हिंदी की। तो ये भी फ्रेशर्स ही हैं। तो अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ? नहीं यहाँ आके काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, जैसा सोचा था मतलब हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में जैसा सुना था वैसा कुछ देखने को मिला, और अभी हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई थी तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। अच्छा आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट की थी? हाँ हमने किया था, हमारा ग्रुप डांस था जो कि काफ़ी अच्छा हुआ और मज़ा आया करके, और बहुत सारे सीनियर्स ने भी परफॉर्मेंस किया, वो सब काफ़ी अच्छा था। तो BHU में आपको पूरा मतलब पूरा इन्जॉय कर रहे हैं आप? हाँ BHU में हम पहले से पढ़ रहे थे और फिर अभी तो मेन फैकल्टी में आके और भी अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण। यहाँ पहले कहाँ से आप ग्रेजुएशन की थी? मेरा ग्रेजुएशन यही MMB से था। अच्छा तो आप पूरी तरह मैं सोच रही हूँ जो इन लोगों को फ्रेशर्स में मौका नहीं मिला तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको मौका दूँ। तो अभी जो आप नज्म सुनाने जा रहे थे तो सुनाने वाली थी फ्रेशर्स में, तो वो आप हमारे चैनल पे भी सुना थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी खोई हुई प्रतिभा यहीं वापस आ रही है। हाँ मैं बैठ के सुना दूँ क्या? हाँ 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 कि हमारे शहर का मौसम गुलजार हो जाए, हमारे शहर का मौसम गुलजार हो जाए, सुबह को अगर तुम्हारा दीदार हो जाए। नज़र में रहा हमारा आंसू जो खत बनकर, कि नज़र में रहा हमारा आंसू जो खत बनकर, नज़र से जुदा हो तो इश्तेहार बन जाए। अब कुछ पंक्तियां हैं देखिए, वैसे आप लोग सब कि मोहब्बत की लेकर खबर आ गए हम, मोहब्बत की लेकर खबर आ गए हम, तेरे इश्क में तरबतर आ गए हम। ये चाहा था हमने कि निकल जाएं बचकर, ये चाहा था हमने कि निकल जाएं बचकर, मगर मोहब्बत को मेरी जान नज़र आ गए हम। बहुत खूब बहुत खूब। आगे की लाइन्स हैं कि तमन्ना विसाले सनम पुर असर थी, तमन्ना विसाले सनम पुर असर थी, ए जाने तमन्ना ठहर आ गए हम, बताओ कहाँ दफनाएं इसको, बताओ कहाँ दफनाएं इसको, उठा करके कंधों पर डर आ गए हम। बहुत खूब बहुत बहुत खूब बहुत अच्छा लगा इनके नज़्म को सुन के। इसकी 4 लाइन। अच्छा ठीक है, और वो इसकी शायद मुझे लगता शायद जान है कि न गमख्वार अपना न हमराज अपना, कि न गमख्वार अपना न हमराज अपना, किन्हें छोड़ आए किधर आ गए हम, फकीराना दस्तार बांधे हुए हम, भटकते हुए तेरे दर आ गए हम। अरे वाह वाह। रंजन मुसलसल भटकते ही रहते, दुआओं से अपनी घर आ गए। क्या बात क्या बात। आप लोगों में से कोई अपना ये हमारी बहन है बहुत सुंदर गाती है। दो लाइन कुछ जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे
प्यार मिला। बहुत बहुत अच्छा, जितना मीठा आपका आवाज उतना मीठा आपका गाना भी था, बहुत अच्छा लगा। छोटा सा लाइन गाएंगे, ओ मेरे दिल के जान, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ घबरा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से शर्मा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, दिल है ऐसे न आहे भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए जी। थैंक यू। काफ़ी प्रतिभागी छात्र छात्राएं यहाँ पे आए हैं, आप गाना सुने नद सुने बहुत ही प्यारा, और इन लोगों को आगे यहाँ प्लेटफॉर्म भी मिलेगा BHU जैसे नए कैंपस में आए हैं। हिंदी डिपार्टमेंट के बाकी फ्रेशर से बात करते करते आगे बढ़े तो अभी हमें एक मिस फ्रेशर्स भी मिल गई यहाँ पे, तो अब उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा था फ्रेशर्स को लेकर। अच्छा ही था, बस यही कह सकते हैं कि अच्छा ही था। काफ़ी उत्साहित थी मैं इसको लेके, क्योंकि मेरे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पहला कोई ऐसा मंच मुझे मिला था जहाँ पे मैं अपना प्रदर्शन कर सकूँ, ठीक है, अपने आप को दिखा सकूँ कि मेरी आवाज़ कैसी है या फिर मेरे में क्या खूबियाँ हैं, तो वो बखूबी मुझे उस दिन मौका मिला था और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, और उसके बाद मैंने उस मिस फ्रेशर्स का खिताब जीता तो उसके बाद मेरी खुशियाँ तो अलग ही। मिमिक्री, आप लोगों को कैसे पता कि मैं मिमिक्री कर लेती हूँ? अभी पीछे से हमारे ऑडियंस बता रहे हैं कि आप मिमिक्री करती थी, बता। हाँ खास, हाँ मेरे जीतने का अगर मेन रोल देखा जाए तो वो मिमिक्री का ही था, क्योंकि अपनी खूबियाँ दिखानी थी तो किसी ने डांस किया, किसी ने अपना गाना वाना किया, ये सभी चीज़ें मैंने मिमिक्री कर दिया, तो कर देती हूँ थोड़ा अगर आप लोग का मन है तो। ठीक है। अरे वो आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे वो आज हम लोग जाएंगे घूमने, अरे वो, अरे मामा अभी की, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे वो आज लग रहा है कुछ खाने को मिलेगा, आज हम लोग जाएंगे घूमने। बहुत बहुत काफ़ी सुंदर। अच्छा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया है? आर्य महिला PC कॉलेज। अभी BHU कैंपस से ही संबंध है। हाँ हाँ, अभी BHU कैंपस में आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मिस फ्रेशर्स भी बन गई तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अभी नए नए फ्रेशर से मिले, इस और भी फ्रेशर से हम मिलने वाले हैं इसी तरह के वीडियो के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? जी यस, BHU वालों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। या बहुत बहुत धन्यवाद।